जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसमें खास करके जो आने वाले वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट संभावित जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये किसी छावनी में कुछ परिमाण भोजन 24 आदमियों के लिए 20 दिनों चलता है, तो वो भोजन 40 आदमियों के लिए कितना दिन चलता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये कितने दिन की बात किया, तो दिन को हम इधर से रखेंगे, तो 24 आदमियों का भोजन के लिए 20 दिन चलता है, एक आदमी का जो भोजन है 20 × 24 दिन चलेगा। कार्यान इसमें क्या होता है, जो कम होगा तो इसमें गुना हो जाएगा, और 40 आदमियों का जो भोजन होगा 20 × 24 / 40, इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको दो है, ये काट दिया तो 12, यानी कि 12 दिन चलेगा, 12 दिन इसके चलेगा। अगला क्वेश्चन, 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसको फॉर्मूला में करेंगे M1D1 = M2D2, यानी कि 12 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। इसको करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 2, ये 3 है, इसके साथ इसको काटेंगे तो 6 है, यानी कि डी टू मतलब दिन है, 6 × 3 18 दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में काम को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कैंप में 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिनों का खाद्य सामग्री है, 30 दिन बाद 800 व्यक्ति उस कैंप को छोड़ के चला जाता है, तो बाकी खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगी। इसमें देखा गया है ये व्यक्ति जो है 4000 है और 190 दिन का खाना है, व्यक्ति को अगर 90 दिनों का खाना है तो टोटल खाना मिल जाता है इसको 7,60,000 जो है इसका खाना, टोटल खाद्य सामग्री इतना होता है, लेकिन 30 दिन बाद 800 व्यक्ति चला जाता है, यानी कि 800 व्यक्ति के 30 दिन खाना खाते हैं फिर चला जाता है। 4000 व्यक्ति 30 दिन खाना खाते हैं तो टोटल खाना 12, 1, 2, 3, 4 मतलब टोटल खाना इतना खा लेते तो बाकी रह जाता है 4 और 6, इतना खाना टोटल रह जाता है बाकी खाना, और आदमी बाकी रह जाता है, 800 व्यक्ति चला जाता है, यानी कि टोटल व्यक्ति होता है 8000 में से अगर 800 व्यक्ति चला जाता है तो रह जाता है इसमें 3200 व्यक्ति रह जाता है, टोटल खाना रह जाता है इतना, तो टोटल खाना में से अगर हम इस व्यक्ति को भाग कर देंगे तो हमें दिन मिल जाएगा, तो कुल दिन है 6400000 / 3200, ये दोनों काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे, यानी कि 200 दिन का खाना बन जाता है, बच जाएगा 200 दिन जो है ये खाना सामग्री, खाद्य सामग्री रह जाता है 200 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, एक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का भोजन सामग्री है, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गया, तो वो भोजन सामग्री कितना दिन चलेगी। यानी कि उन लोग 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन है, यानी कि अगर गुना कर देंगे तो टोटल भोजन हमें मिल जाता है, तो 200 व्यक्तियों का 30 दिन का भोजन है, यानी 6000 यूनिट भोजन है। अगर 10 दिन बाद यानी कि 200 व्यक्ति 10 दिन खाना खाया, तो हमने 200 व्यक्ति का 10 दिन के लिए खाना ऐड कर देंगे, यानी कि 2000 यूनिट होता है, तो अगर हम इसको माइनस कर देते यानी 4000 यूनिट खाना बाकी रह जाता है। क्वेश्चन में बोला गया 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाता है, यानी कि पहले 200 व्यक्ति था और 50 आ गया, 250 व्यक्ति हो गए, और भोजन सामग्री हमारे पास बैलेंस है 4000 यूनिट, तो बाकी दिन कितना दिन चलेगा। दिन हिसाब करेंगे तो 4000 को अगर 250 से भाग करेंगे, इसको काट देंगे तो इसके साथ इसको काट देंगे तो होता है 16 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, 5 राजमिस्त्री 4 दिनों में 128 वर्ग मीटर दीवार बना सकता है, तो 10 राजमिस्त्री 320 वर्ग मीटर दीवार बनाने में कितना दिन लगेगा।
इसका मतलब यह है, हमें फॉर्मूला यह है m1 d1 by w1 is equal to m2 d2 by w1, उसी हिसाब से करना है। अभी हमें बताया गया पांच राजमिस्त्री चार दिनों में 128 वर्ग मीटर दीवार बना सकता है, तो 10 राजमिस्त्री कितने दिनों में, दिन पूछा गया, कितना दिनों में 320 वर्ग मीटर दीवार बनाएगी। एक्चुअल फॉर्मूला इसमें है, आदमी को अगर दिन से गुना करेंगे तो वर्क मिल जाता है, आदमी को दिन से गुना करने से काम मिल जाता है। तो इसमें हम करेंगे चार के साथ काटेंगे तो तीन चार बारह और चार दुगुना आठ, इसके साथ इसको काटने से दस हो जाता है, ये दस कट जाता है, यानी कि डी टू दिन से गई है पांच दिन में काम को पूरा करेंगे। नीचे क्वेश्चन है, नौ मजदूर 10 घंटा काम करके 24 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो 12 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करके कितना दिन में पूरा करेंगे, तो इसको भी हम लिखेंगे m1 d1 h1 is equal to m2 d2 और h2, यानी कि आदमी है नौ मजदूर कितना दिन, 24 दिनों में 10 घंटा काम करके काम को पूरा कर सकता है, तो 12 मजदूर दिन पता नहीं है और घंटा 12 घंटा करके कितना दिनों में पूरा करेगा, यही उत्तर है। इसमें क्या है, 12 से इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 6 होगा, 6 से 6 दुगुने 3 दुगुने 6, 3 तरीके 9, 3 हो जाएगा, इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि डी टू इज इक्वल टू 5 के साथ 3 गुना से 15 दिन, 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोहित पांच दिनों में एक काम का 1/3 अंश पूरा करते हैं, अमोल उसी काम का 2/5 अंश जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि रहीम और अमोल एक साथ काम करें तो संपूर्ण काम कितना दिन में समाप्त करेगी। ऐसे क्वेश्चन में हम लिखेंगे रहीम 1/3 अंश तो 5 दिन में करता है, 1/3 अंश 5 दिनों में करता है, तो संपूर्ण अंश करेगा 5 इंटू 3 बटा, यानी काम गुना हो जाएगा 15 दिनों में करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। और उसी जगह पे कौन है, अमल 2/5 भाग जो है 10 दिनों में करेगा, तो संपूर्ण अंश ये करेगा 10 इंटू 5/2, इसके साथ 5 करेंगे यानी कि 25 दिनों में। तो दोनों मिलकर एक साथ में क्या करेगा, रहीम 15 दिन में काम को पूरा करता है और अमल 25 दिनों में काम को पूरा करता है, यानी कि इसका टोटल काम जो है 75। ये 5 दिनों में 1 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में, अगर दोनों हम जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर कितना काम करता है, दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करता है। तो और रहीम और अमल दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करता है एक दिन में, यानी कि टोटल काम 75 है, और काम को बांट देंगे तो हो जाएगा 8 9, इतना दिनों में काम करेगा, 9/3/8 इतना दिनों में काम को पूरा करेगा। यह इसका क्वेश्चन है, एक टैंकी में 4/9 भाग भरने में 1 मिनट भरता है, 1 मिनट लगता है, एक मिनट में भरता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि क्वेश्चन में देख रखा है 4/9 भाग भरने में उसको 1 मिनट समय लग जाएगा, यानी कि 4 भाग भरने में उसको 1 मिनट समय लगेगा, 4 भाग भरने में हिस्सा भरने में उसको 1 मिनट समय लगता है, यानी कि टोटल 9 में से 4 भाग भरने में इतना लगता है, यानी 4 भाग भरने में उसको 9 मिनट लगता है, बाकी बचता है 5 भाग भरने में, इसको 1 भाग भरने में लगता है 1/4 मिनट, और 5 भाग भरने में लगता है 1/4 इंटू 5, यानी कि 5/4 भाग 4 मिनट समय लगता है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 6 पुरुष या 8 महिला एक काम को 86 दिन में पूरा कर सकता है, यदि 14 पुरुष और तथा 10 महिला उस काम को एक साथ करें तो उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान रखना है दो बात का, यहां पर लिखा है या,
यह का मतलब है छह पुरुष मतलब सिक्स मैन बराबर है आठ महिला, सिक्स मैन बराबर आठ महिला है। और दूसरे जगह लिया तथा, तथा माने चौदह मैन एवं दस वोमेन, ये चीज दोनों ध्यान रखना है। अगला चीज अभी बताया, छह मैन बराबर अगर आठ महिला है तो एक मैन बराबर होगा आठ बटा छह वोमेन, इसको काटने से होता है चार बटा तीन वोमेन, चार बटा तीन वोमेन। और पूछा गया अगर मैन को अगर वोमेन करते हैं तो चौदह मैन बराबर होगा चार इंटू चौदह बटा तीन वोमेन, इतना ओमैन हो जाता है। अभी पूछा गया दूसरा बोला ये आदमी जो है कितना दिन, चौदह मैन तथा दस महिला इसका आपको कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हमने ये मैन को या तो मैन को नहीं तो ओमैन को हमें एक की राशि में करना, मैन को ओमैन करना पड़ेगा नहीं तो ओमैन को मैन करना पड़ेगा। हमने मैन को ओमैन करेंगे तो ओमैन क्या है चार इंटू चौदह बटा तीन ओमैन प्लस दस ओमैन, इसका हमको कितना दिन में पड़ेगा यानी कि डी टू पूछा गया। तो हम इसको जोड़ने से क्या होगा तीन एलसीएम होगा, तीन चौदह बयालीस प्लस तीस चौदह चौदह अट्ठाईस, तीन चौदह बयालीस चार चौदह छप्पन फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स बराबर होता है एट्टी सिक्स बटा तीन, कितना दिनों में करेंगे ये पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है हम फॉर्मूला लगाएंगे एम वन डी वन इजल टू एम टू डी टू, और हम ये पहला वाला जो कंडीशन है इसमें लिखा गया है छ ओमेन, क्या बताया गया आठ ओमेन, आठ ओमेन किसी काम को आठ ओमेन किसी काम को छियासी दिन में करेगा, तो हम इसको लिखेंगे आठ ओमेन छियासी दिन में काम को करेगा तो कितने ओमेन 86 बटा तीन कितने दिनों में काम करेगा, मैन हो या ओमेन हो वो इसके संख्या के साथ गुणा करेंगे तो इसका कितना दिन में करेंगे, तो इसके साथ इसको काट देंगे तो डी टू इजल टू तीन अटे चौबीस, इसी काम को पंद्रह दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को तीस दिन में पूरा कर सकता है, और पांच दिन दोनों मिलकर एक साथ काम करने के बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, ये है क्वेश्चन। हम लिखेंगे ए और बी दोनों मिलकर काम को पंद्रह दिन में करता है और बी उसी काम को तीस दिन में करता है, इनका एलसीएम होता है साठ यानी कि दोनों से भाग जाता है तो टोटल काम है साठ है, ये चार है और ये दो है। तो अगर इन दोनों मिलकर उसी काम को पांच दिन एक साथ काम करने के बाद बी छोड़ के चला जाता है, अगर ए और बी मिलकर चार यूनिट काम करता है, अगर ये पांच दिन करता है तो टोटल बीस यूनिट काम कर लेते हैं, बीस यूनिट काम कर लेते हैं तो बाकी काम रह जाता है, बाकी काम रह जाता है सिक्सटी यूनिट टोटल काम से बीस कर ले तो चालीस यूनिट काम रह जाता है। और बी पूछा गया है जो शेष काम ए कितना दिनों में करेगा यानी कि ए प्लस बी में से अगर बी को माइनस कर दिया तो रह जाता है ये, यानी कि इसके साथ माइनस कर दिया तो ये दो यूनिट काम रह जाता है तो टोटल काम रहता है चालीस और दो यूनिट काम करता है बी अकेला, दो यूनिट काम करता है ए अकेला करता है तो ए कितना दिन काम करेगा पूछा गया, काम को छोड़ के चला जाता है तो ए कितना दिन में शेष करेगा, ए जो है 40 बटा 2 यानी कि 20 दिनों में काम को शेष करेगा, बी 20 दिनों में काम को खत्म करेगा। अगला क्वेश्चन है मोहन एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, पांच दिन बाद मोहन काम को छोड़ के चला जाता है और बाकी काम सौरभ 22.5 दिनों में शेष करता है तो मोहन और सौरभ एक साथ मिलकर कितना दिनों में काम को समाप्त करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है माना कि मोहन काम को 20 दिनों में करता है और 5 दिन बाद मोहन छोड़ के चला जाता है और बाकी काम सौरभ करता है, माना सौरभ जो है ए दिनों में काम को समाप्त करता है, ए दिनों में काम को समाप्त करता है, शर्तानुसार 20 दिन में से 5 दिन वो कर लेता है काम तो और बाकी 16 अल्फा दिन में करता है ए दिन में करता है तो काम बचता है 22.5 दिन, 22.5 का मतलब होता है 45 44 45 बटा 2 तो ए का मतलब होता है 45 बटा 2 इसको माइनस करने से ये उल्टा हो जाएगा इधर इनटू हो जाएगा फिर ऊपर हो जाएगा 15 20 बटा 15 इसके साथ इसको माइनस कर 1500 होता है 20 होता है इसके साथ करेंगे तो 3 और इसके साथ काटेंगे तो 10 यानी कि 30 दिनों में समाप्त करते हैं।
सौरभ काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। अभी हम कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यानी कि मोहन काम को करेगा 20 दिनों में समाप्त और सौरभ उसी काम को 30 दिनों में करता है। इसका एलसीएम होगा 60, यानी कि ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, तो दो ये दोनों जोड़ने से 5 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर टोटल 60 यूनिट काम है, और 5 दिनों में 5 यूनिट पार्ट डे करता है, तो 5 बार 60 12 दिनों में काम को समाप्त करेगा, टोटल 12 दिनों में काम को समाप्त करेगा। ये वाला थ्योरी है, ये आपका सेम आदमी को अगर दिन से काम करेंगे तो वर्क मिल जाता है, इस थ्योरी के ऊपर हमने इस फॉर्मूला को लिखा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस बाय।